तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी सेल कंपनी के बारे में, और सेल के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट प्रोविजनली 4.5% के अराउंड की एक बहुत ही बड़ी गिरावट, और उसी के साथ जो है वो हमें एक शार्प आज नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अब दोस्तों सेल यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स ही जो है वो अपने यहाँ पर मेजर सपोर्ट से दूर है, और अगर मार्केट्स वीक रहे तो शायद से सेल हमें उस पर्टिकुलर लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता हुआ भी देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ 150 का लेवल। अगर मान लो यहाँ पर सेल क्या करता है, इस 150 के लेवल्स को ब्रेक करके नीचे निकलता है, वापस से गिरावट 140 के नीचे निकल गया तो 130, और उसके नीचे निकल गया तो 120 तक का भी फॉल आपको ईजिली आता हुआ देखने को मिलेगा। अपसाइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेल का जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 170 के ऊपर निकल जाता है तो काउंटर 180 शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद पोजिशनली 200 एंड लॉन्ग टर्म में 250 से लेकर 280 टू 300 जो कि इसके 2011-12 के हाइज थे, वो भी आपको ईजिली सेल के अंदर अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे।